वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो कोई भी एस्पिरेंट को करनी नहीं चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लाई हूँ इस कम्युनिटी कम्युनिटी सीयूईटी की कम्युनिटी है जो हमने स्टार्ट की है। यहाँ पर सारे मेंटल सारे स्टूडेंट्स पूरा हब है सीयूईटी का। मैक्सिमम क्वेरीज आपके यहाँ रिजोल्व हो जाएंगे, कंटेंट एक्सक्लूसिव मिलेगा, बहुत तरीके की चीज है, जाके चेक कीजिए। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक चेक कर ले। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो करनी नहीं है। पहली गलती, डोंट वेट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन टू गेट ओवर। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, सोचते हैं कि भाई सुकून से प्रिपेयर करेंगे जब बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। नहीं हो सकता, 800 में से 800 लाने वाले बच्चों की ना कमी नहीं है, तो हमें जब उनके साथ कम्पीट करना है तो एक कदम आगे रहना पड़ेगा। तो अगर अभी भी जो जगह नहीं है आपको जगना आप जरूर पड़ेगा, क्योंकि प्रिपरेशन ऐसे तो हो नहीं पाएगी। दूसरा चीज, नॉट हैविंग प्रॉपर टारगेट्स। आप लोग के पास टारगेट्स ही प्रॉपर नहीं होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में आपके भाई प्रीबोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, फेब से आपके प्रैक्टिकल है, मार्च में एग्जामिनेशन है, अप्रैल तक बिजी रहने वाले, मतलब दीज 3 मंथ्स विल बी वेरी क्रूशियल। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट मंथ्स है, दिसंबर तक का प्लानिंग एडवांस में करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर दिसंबर तक की प्लानिंग अगर आपको प्रॉपर नहीं भी करनी है तो कम से कम महीने भर की प्लानिंग और टारगेट्स बना के रखना पड़ेगा, और फिर जैसे दूसरा मंथ है वैसे हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तीसरा है नो स्टडी रूटीन। ये भी बहुत बच्चे करते हैं कि भाई 8 घंटे एक दिन तो पढ़ लिया, दूसरे दिन 2 घंटे भी प्रॉपरली नहीं दिए। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, लगातार चीजें करनी है, रोज करनी है, रोज पढ़ाई करनी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम देना है, थ्योरी कैसे पढ़नी है, उसका रिविजन कैसे होना चाहिए, तो अगर प्रॉपर स्टडी रूटीन नहीं होगी तो ये कर नहीं पाओगे। ठीक है, और स्टडी रूटीन बनाने के लिए आप डेली टास्क टेबल बनाओ। ठीक है, टास्क टेबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको पता है पढ़ना क्या है, बट डेली उठ के देखो कि मेरे टास्क क्या क्या है। ये छोटे छोटे टास्क आपको एक बड़ा टारगेट अचीव करवाएंगे, तो टास्क टेबल डेली बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी चीज, नॉट अवेयर अबाउट द कॉलेजेस कोर्सेस टू टारगेट एंड देयर एलिजिबिलिटी। 2022 से मैं सीयूईटी एग्जामिनेशन को बहुत क्रूशियली देख रही हूँ, बहुत प्रॉपरली एग्जामिन किया है मैंने। एक चीज जो समझ में आई है, लास्ट में बच्चे क्या बोलते हैं, मैम वो तो साल भर से प्रिपरेशन किया लेकिन अभी मुझे पता चला कि मैं इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट में मैथ्स मांग रहा है, मेरे पास क्लास 12 में डोमेन मैथ्स थी ही नहीं। और सबसे पहले आप जिस यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हो, उसके जिस भी कोर्स को एम कर रहे हो, उसकी प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? cuet.samer.ac.in, इस पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर अवेलेबल है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। नाउ चौथी मिस्टेक, नॉट अवेयर अबाउट द कॉलेजेस। तो सॉरी, चौथी तो हमने डिस्कस कर लिया। पांचवी, पाइलिंग अप योर डाउट्स एंड नॉट क्लियरिंग देम अप ऑन टाइम। सब बच्चे क्या करते हैं भाई कि इतने डाउट्स पाइल अप हो गए और मैंने पूछा ही नहीं, तो सबसे पहले इसको जल्दी जितने जल्दी क्लियर कर सकते हैं उतनी रफ्तार से आपकी प्रिपरेशन बढ़ेगी। तो ये मिस्टेक्स कदापि नहीं करनी है आप लोगों को। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय, टेक केयर।